दोस्तों बारिश का समय में ऐसे गाड़ी लगे थोड़ा बाहर जाने का मजा थोड़ा अलग ही होता है। ये रहा डंपर, जाम कर दिया एकदम, रास्ता छोटा है बहुत। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज तो मंडे है, आज तो दिन भर बारिश ही गिर रहा है दोस्तों। अभी तो सुबह से शाम हो गया, फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी जाके थोड़ा रुका हुआ है बारिश, फिर भी गारंटी नहीं है, फिर भी रात को आ सकता है बारिश। चलिए दोस्तों थोड़ा बाहर निकलते हैं, अभी थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं बाहर से। चलिए आप लोग बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों हल्का हल्का बारिश है बाहर, कंप्लीट तो रुका नहीं है। देखिए दोस्तों अभी निकल चुके हैं बाहर, चलिए अभी चलते हैं। सही बताओ दोस्तों, ऐसा बारिश में मुझे बहुत पसंद है, लॉन्ग ड्राइव करने में बहुत मजा आता है। और वैसे भी मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है, अगर किसी को बुलाना है तो कहीं पे अगर जाना है तो बाहर दूर दूर बुला सकते हैं मुझे, आ जाऊंगा मैं दोस्तों। वैसे भी मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है दोस्तों, अच्छा लगता है बहुत, घूमने फिरने का शौक बहुत है। ये रहा डंपर, जाम कर दिया एकदम, रास्ता छोटा है बहुत। देखिए रास्ता कितना छोटा है दोस्तों, और इतना बड़ा गाड़ी है, कम से कम उसको घुमाने में तो समय लग जाएगा। चलो पत्थर लेके आया, मतलब पत्थर गिरा रहा है, शायद कुछ काम चल रहा है, घर वर बना रहा होगा, लेकिन जाम कर दिया यार, बहुत गाड़ी लाइन लग गया एकदम, पीछे आगे पीछे पूरा गाड़ी जमा हो गया एकदम। दोस्तों चलिए हम लोग पहुंच गए, एक रेस्टोरेंट में आया हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं दोपहर को कुछ नहीं खाया था दोस्तों, बहुत भूख लग रहा था इसलिए कुछ खाने आ गया। पहले कुछ खा लेता हूँ फिर थोड़ा घूम लेते हैं दोस्तों। ये देखिए मेरे पीछे मम्मी घुस गई है अंदर, अभी मैं टाउन में हूँ दोस्तों। ये देखिए पीछे बहुत सारा रेस्टोरेंट भी है, शॉपिंग मॉल है उधर, विशाल भी है सामने, ये देखिए अच्छा लगता है दोस्तों, शाम को बहुत अच्छा लगता है इधर आके, कभी कभी आता रहता है ऐसे ही। ये देखिए दोस्तों मार्केट लगा हुआ है, इवनिंग का मार्केट, ये देखिए बहुत बिजी प्लेस है, ये बहुत बिजी जगह है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह शॉपिंग मॉल भी है इधर, इसलिए बहुत लोग आते हैं इधर। ये रहा डोमिनोज, इधर सब्जी की मंडी है, सब्जी मंडी है उधर। दोस्तों ये रहा नया हॉस्पिटल खुला है, आई आफा मेडिलाइफ बीएम हॉस्पिटल, ज़्यादा दिन नहीं हुआ नया खुला है दोस्तों, नया एकदम ब्रांड न्यू अस्पताल है ये। आई आफा मतलब मम्मी पापा है दोस्तों बोरो भाषा में, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छा है। दोस्तों ये जगह नया नया कॉमर्शियल हब बना हुआ है, सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे, बाजार भी है, अस्पताल भी है, शॉपिंग मॉल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है इधर दोस्तों, अच्छा है जगह, बहुत अच्छा है, नया जगह है। चलिए अंदर घुसते हैं दोस्तों, ऑर्डर देते हैं अभी खाने के लिए। दोस्तों मैं आ गया अंदर, अभी बैठा हूँ रेस्टोरेंट में, मैं भी बैठी है साथ में, आंटी जी, हम लोग का आंटी, आप लोगों का आंटी जी, क्या खाएंगे आप? कॉफी पीनी है, मम्मी ने कॉफी ऑर्डर दिया है दोस्तों। ये देखिए मेनू, ठंडा गरम स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है इधर, लेकिन ओनली वेज आइटम ही मिलता है इधर दोस्तों, नॉन वेज आपको नहीं मिलेगा इधर। ये रहा रेस्टोरेंट दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन, बहुत हाइजीनिक भी है। दोस्तों मैंने दिया है ऑर्डर छोले भटूरे, और बहुत दिन हो गया यार छोले भटूरे नहीं खाए, आज खाऊंगा, बहुत मन कर रहा है छोले भटूरे खाने के लिए, इसलिए मैं आ गया इधर। और यहाँ का जो छोले भटूरे बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, ये मेरे फेवरेट दुकान है, आता रहता हूँ कभी कभी छोले भटूरे खाने, लेकिन बहुत महीना हो गया छोले भटूरे नहीं खाया, इसलिए बहुत दिनों बाद आज मैं फिर से आ गया इस रेस्टोरेंट में, साथ में आंटी को भी लेके आया हूँ, आंटी को भी कॉफ़ी पीना है दोस्तों। चलिए थोड़ा रुका हुआ हूँ, ऑर्डर तो दे दिया है, अभी आने वाला है दोस्तों। दोस्तों घर में चावल खा के बोर हो गया हूँ, इसलिए मैं आज खाना ही नहीं खाया, इसलिए मैं आज स्किप कर दिया खाने को,
इसलिए मैं छोले भटूरे खाने आ गया। कितना चावल खाऊंगा दोस्तों, चावल खा के फूल गया हूँ, ज्यादा फूलना नहीं है। इसलिए दोस्तों कभी कभी मैं चावल खाना ही बंद कर देता हूँ, कभी कभी मैं रोटी खा लेता हूँ घर पे। दो रोटी ठीक ही है मेरे लिए, रात को तो दो रोटी होने से कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी तो छोले खा के जाऊंगा, रात को दो रोटी खाने से भी मेरा आराम से पेट भर जाएगा दोस्तों, रात गुजर जाएगा मेरा। समोसा कैसा है खा के देखो तो, ठीक है? टेस्ट कैसा है? अच्छा है ना, मुझे तो नहीं खाना है। माँ थोड़ा धीरे खाओ, कॉफी को आने दो, कॉफी के साथ समोसा खाओ मजा आएगा। धीरे से शुरुआत करो, मेरा भी तो आ रहा है ना, मैं भी तो वेटिंग पे हूँ अभी। ये रहा मम्मी का कॉफी आ गया है, मिल्क कॉफी। अभी खाओ गर्मा गर्म कॉफी के साथ समोसे, वाह देख के तो पूरा मजा आ रहा है। कॉफी मुझे भी पीने का मन है लेकिन मुझे पीना नहीं है अभी, अच्छा लग रहा है देख के। ये रहा मेरा छोले भी आ गया, ओहो माय गॉड, देखिए साइज देखिए दोस्तों, छोले का साइज देखिए, मजा आ गया देख के, पेट फूला हुआ है, छोले का पेट फूला हुआ है देखिए दोस्तों। ये रहा, खाना है मम्मी तुम्हें? आधा खा लो, टेस्ट कर लो ऐसे ही। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अभी छोले। बढ़िया है दोस्तों, अच्छा है, सही है। चलिए दोस्तों खा पी के मैं निकल आया रेस्टोरेंट से, और बहुत दिनों बाद छोले भटूरे खा के अच्छा भी लगा है, मन तो बहुत खुश हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी बहाने मेरा पेट भी भर गया, अभी चलिए चलते हैं यहाँ से, अभी दूसरे जगह चलते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? दोस्तों कल रात को जो मैंने वीडियो कर रहा था शाम को, खा पी के तो मैं मस्त था, फिर थोड़े समय के बाद मैं थोड़ी देर बाद ही मतलब मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा, ना जाने क्यों ऐसा होने लगा दोस्तों। मैं रात को कल वीडियो कंप्लीट कर नहीं पाया, इसलिए आज जो वीडियो बाकी था वो आज मैं मंगलवार को ट्यूसडे को मैं कर रहा हूँ अभी। दोस्तों जिंदगी में मेरा पहली बार कल ही ऐसा पेट दर्द हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मेरा, अचानक से इतना दर्द हुआ मैं एक दो घंटे के लिए मतलब रह नहीं पाया मतलब। फिर जाके मैं फार्मेसी में चला गया, दवाई लेके आया, दवाई खाया, फिर थोड़ा लेटा घर पे आके, फिर भी मतलब एक दो घंटा बहुत मतलब मुश्किल से मतलब गुजरना पड़ा। फिर बाद में जाके थोड़ा सा मतलब धीरे से मतलब जो मतलब दर्द था वो मतलब कम होने लगा, मतलब गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, देखते हैं दोस्तों। आज अगर मैं डॉक्टर को दिखा सकता हूँ तो अच्छा ही है। चलिए दोस्तों आज तो बारिश का मौसम भी है, बहुत बारिश दे रहा है बाहर, फिर भी तो जाना पड़ेगा थोड़ा बाहर। चलिए दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा मिक्स होने जा रहा है दोस्तों, कल तो शाम हो गया था, रात हो गया था, अभी मैं दिन को कर रहा हूँ, आज तो अभी तो सुबह का टाइम है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। चलिए गाइस आज तो मंगलवार है, आज तो हनुमान जी की दिन है, आज तो थोड़ा मंदिर जाना है, थोड़ा पूजा पाठ भी करना है। चलिए दोस्तों तो एक साथ चलते हैं मंदिर, बहुत मज़ा भी आता है ऐसा बारिश में घूमने, अच्छा लगता है बहुत दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी घर से निकलते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैं दुकान जा रहा हूँ, थोड़ा मिठाई लेना है, थोड़ा लड्डू वगैरह तो लेना ही पड़ेगा हनुमान जी के लिए, प्रसाद भी तो चढ़ाना है ना, इसलिए मैं आ गया दुकान, मिठाई की दुकान पे आ गया। चलिए मिठाई लेते हैं अभी। ये रहा दोस्तों लड्डू लेना है अभी, सारी टी दोस्तों अभी तो मैं डेली मार्केट पहुंच गया हूँ, थोड़ा पैदल आने से थोड़ा दूर होता है मंदिर, क्योंकि मंदिर उस पार है, हम लोग का घर इस पार है दोस्तों, थोड़ा समय लग जाता है पैदल आने में, क्योंकि बीच में एक रेल लाइन है उसको क्रॉस करना है। ये है डेली मार्केट दोस्तों, बहुत दिनों बाद छाता लेके ऐसा निकला हूँ मैं, मतलब बारिश के समय मैं इतना मतलब इतना तो नहीं घुमा था पैदल आज, लेकिन बहुत दिनों बाद पैदल घूम रहा हूँ, वो भी बहुत समय लेके, अच्छा लग रहा है दोस्तों। समोसे की दुकान दोस्तों मेरा फेवरेट है, ये रहा समोसा बन रहा है, पराठा बन रहा है, लेकिन खाना नहीं अभी सुबह सुबह, अच्छा है। ये रहा डेली मार्केट का मेन सेंटर, अभी मार्केट अभी तो शुरू नहीं हुआ है, समय नहीं हुआ तो दोस्तों धीरे से अभी खोलेगा। ये रहा सुपर मार्केट, अंदर भी दुकान है, कॉस्मेटिक वगैरह कपड़ा का दुकान मिल जाएगा, और इधर लगता है साग सब्जी की दुकान,
चलिए दोस्तों अभी जाना है, क्रॉस करना है। अभी मुझे अभी उस पार जाना है, बॉर्डर क्रॉस करना है बॉर्डर। चलिए ये रहा रेल लाइन, रो रहा फ्लाईओवर। अभी मुझे जाना है सीधा, क्रॉस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन बहुत पिसल है, गिर जाने से तो गया, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पत्थर है नीचे। चलिए दोस्तों ये रहा फल मूल की दुकान। दोस्तों रेलवे लाइन के बगल में ही है फल मूल की दुकान, क्योंकि मंदिर है ना सामने, हनुमान जी की मंदिर है, इसीलिए यहाँ पे फल मूल बिकते हैं। दोस्तों अभी मैंने रेल लाइन क्रॉस कर लिया है, अभी मैं उस पार से इस पार आ गया। दोस्तों अभी देखिए बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है एकदम। रिक्शा स्टैंड है, चलिए आप लोगों को टाउन दिखा रहा हूँ, कोकराझार शहर दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। दोस्तों मैं तो अभी पहुँचने वाला हूँ, मंदिर मिलने वाला है, अभी ज़्यादा दूर भी नहीं है और 5 मिनट लगेगा, लगभग 5 मिनट के बाद। आदमी तो बहुत आना जाना कर रहा है फुटपाथ से, छाता अटक जाता है दोस्तों, लग जाता है छाता, इसलिए रुकना पड़ता है। एक आदमी का लग गया था छाता, फिर वो भी हंस के चला गया, मैं भी हंस के आ गया। दोस्तों क्या कर सकते, अरे बारिश का मौसम है, सबके हाथ में तो छाता रहेगा ही। चलिए दोस्तों मिलते हैं एकदम मंदिर पे अभी। चलिए दोस्तों मैं तो पहुंच गया हूँ मंदिर, अभी चलिए दोस्तों थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं, अभी हाथ पैर धो के थोड़ा अंदर चल रहे दोस्तों, अभी हाथ पैर धोना है दोस्तों थोड़ा। हो रहा हाथ पैर धोने का जगह दोस्तों, अभी तो लेडीज लोग हैं, रुकिए थोड़ा, रुकते हैं 2-3 मिनट। ये देखिए इतना बड़ा पैर है, देखिए दोस्तों कितना अच्छा पैर है, बहुत पुराना पैर है ये। दोस्तों अंदर चलते हैं अभी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत भीड़ लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए कोई कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई कोई पूजा कर रहा है। अभी मुझे तो रुकना पड़ेगा थोड़ा समय, भीड़ है इधर। चलिए बाबा को प्रणाम करते हैं अभी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए दोस्तों थोड़ा अगरबत्ती लगाना है अभी, अगरबत्ती लेके थोड़ा पूजा देना चाहिए अभी। चलिए शुरू करते हैं अभी, पूजा पाठ शुरू करते हैं दोस्तों, बाद में बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पूजा पाठ तो हो गया है, अभी थोड़ा प्रसाद चढ़ा के चले जाएंगे दोस्तों। अभी प्रसाद थोड़ा चढ़ाना है, अभी थोड़ा भीड़ लगा हुआ है देखिए पीछे, इधर ही बैठना है थोड़ा समय, थोड़ा समय बैठ के प्रसाद चढ़ा के चला जाऊंगा दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भगवान। दोस्तों मेरा तो पूजा पाठ हो गया है, थोड़ा समय लगा है, थोड़ा भीड़ था आपने। ये रहा प्रसाद, प्रसाद भी ले लिया, थोड़ा घर पे लेके जाऊंगा। दोस्तों सोमवार और मंगलवार हो जब भी समय मिलता मैं आ जाता हूँ दोस्तों, और मंदिर आके बहुत अच्छा लगता है, आना भी चाहिए, मन का शांति होता है बहुत। चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं बाहर, पूजा तो खत्म हो गया है, अभी चलते हैं। चलिए ये रहा दोस्तों पानी जमा हो गया एकदम, देखिए दोस्तों बाहर बहुत तेज बारिश चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो कर नहीं पाया बाहर, रिक्शा पकड़ मैं डायरेक्ट घर चला आया। दोस्तों अभी मम्मी का हाथ पे मैं प्रसाद दे दिया हूँ, मम्मी नहा धो के पूजा देके प्रसाद खा लेगी अभी। ठीक है दोस्तों आज का वीडियो यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय गाइस।